अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिव्यू मास्टर पी के। चेक करें जी, आज आप लोग की खिदमत में एक नए स्मार्टफोन की वीडियो के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे आईफोन 15 प्रो मैक्स के बारे में। हैवी प्राइस ड्रॉप होने के बाद ये डिवाइस मार्केट में अब कितने की मिली है, डिटेल में बात करेंगे। आईफोन 16 सीरीज लॉन्च हो चुकी है और आईफोन 15 प्रो मैक्स के क्या रेट्स हैं, डिटेल में बात करेंगे। तो भाई फाइनली आईफोन 16 सीरीज लॉन्च हो चुकी है और आईफोन 16 सीरीज के लॉन्च होने के बाद अब मार्केट में आईफोन 15 प्रो मैक्स के क्या रेट्स हैं, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, मार्केट विजिट करेंगे और देखेंगे कि एक साल गुजरने के बाद अब आईफोन 15 प्रो मैक्स मार्केट में कितने का सेल आउट हो रहा है, पीटीए प्रूफ, नॉन पीटीए प्रूफ और जेबी वाले 15 प्रो मैक्स के रेट के वाले से डिटेल में बात करेंगे, पिन पैक के क्या रेट्स हैं और यूज में ये मार्केट में कितने का सेल आउट हो रहा है और शॉप वाले कितने का परचेज करें, डिटेल में बात होगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव आने वाली, वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक आप लोगों ने जरूर देखना है। तो भाइयों फाइनली आईफोन 15 प्रो मैक्स को लॉन्च हुए हुए एक साल कंप्लीट हो चुका है। एक साल का एक्सपीरियंस 15 प्रो मैक्स के साथ मेरा काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। बात करते हैं इस डिवाइस की, अगर पिन पैक ये डिवाइस आप लोग मार्केट से इस वक्त अब मार्केट में नॉन पीटी प्रूफ परचेज करने जाते हैं तो आप लोगों को मॉडल के हिसाब से रेट की काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगी। अगर आप लोग डुअल फिजिकल वाला मॉडल यानी कि एच के वाला मॉडल परचेज करते हैं तो वो आप लोगों को इस वक्त 3,50,000 से लेकर 3,60,000 तक मार्केट से इजीली मिल जाएगा। अगर आप लोग सी एच ए वाला मॉडल पाकिस्तान में परचेज करते हैं तो वो आप लोगों को 3,25,000 से लेकर 3,30,000 रुपए की प्राइस टैग में देखने को मिल जाएगा इजीली। तो ये तो रेट हो गए पिन पैक डिवाइसेस के। अब नॉर्मली पिन पैक तो अब ये डिवाइस को भी परचेज नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मली हर शॉप पे यूज में आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है वो बहुत ज्यादा स्टॉक में अवेलेबल है और हर कलर में अवेलेबल है। तो यूज में 15 प्रो मैक्स के रेट के वाले से आप लोगों को बताता चलूं, नेचुरल टाइटेनियम सबसे ज्यादा डिमांड में है। तो नेचुरल टाइटेनियम डुअल फिजिकल सिम के साथ अगर सिम टाइम अवेलेबल हो तो ये डिवाइस अब इस वक्त 2,90,000 से 2,95,000 और हद मैक्सिमम 3 लाख तक आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेचुरल टाइटेनियम 15 प्रो मैक्स यूज में आप लोगों को ये डिवाइस अब 2,70,000 से लेकर 2,80,000 रुपए की वेरिएशन में देखने को मिलेगी, बहुत हद हुआ तो 5,000 ऊपर भी देखने को मिल सकती है। अब इसी टॉपिक के वीडियो को मजीद कंटिन्यू करने से पहले एक पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर तो आप लोग एक ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन वर्किंग करना चाहते हैं और आप लोग एक अच्छा ट्रेडिंग ग्रुप ढूंढें जहां पे आप लोग को अच्छे अच्छे सिग्नल्स मिले तो आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें आप लोगों को मेरे ट्रेडिंग ग्रुप में मिल जाएंगी। अगर आप लोग मेरे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मेरे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को टॉप रेटेड सिग्नल्स भी मिलेंगे स्पॉट्स के और फ्यूचर्स के और आप लोगों को प्रॉपर गाइड भी किया जा रहा है। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो भाई हम लोग ने यूज में नॉन पीटी अप्रूव्ड आईफोन 15 प्रो मैक्स के रेट्स के वाले से बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं अगर आप लोग पीटी अप्रूव्ड आईफोन 15 प्रो मैक्स मार्केट में अब इस वक्त परचेस करना चाहते हो तो नेचुरल टाइटेनियम आप लोग को इस वक्त 4,30,000 से 4,40,000 रुपए की रेट की वेरिएशन में देखने को मिलेगा। डिपेंड कर रहा होगा कि इसकी बैटरी हेल्थ कितनी अच्छी है, अगर तो बैटरी हेल्थ 95% या 95% से डाउन आ चुकी है तो भाई ये डिवाइस 4,15,000 से ऊपर नहीं है। अब इसी के साथ साथ अगर ब्लू टाइटेनियम में आप लोगों को पीटी अप्रूव्ड आईफोन 15 प्रो मैक्स मार्केट से मिल रहा हो या किसी कस्टमर वगैरह से मिल रहा हो तो ये डिवाइस आप लोग ने मैक्सिमम 4,00,000 से ऊपर की परचेजिंग नहीं करनी, क्योंकि शॉप में जब आप लोग ये स्मार्टफोन सेल करने जाते हो तो ब्लू टाइटेनियम का जो रेट लगता है वो इस टाइम 3,70,000 और 3,80,000 के दरमियान लगता है और नेचुरल टाइटेनियम वाला जो रेट होता है उसका मैक्सिमम आप लोगों को 4,00,000 और 4,05,000 तक रेट लगता है। तो शॉप वाले कम से कम 20,000 से 25,000 रुपए का प्रॉफिट कट इजीली रख रहे हैं। तो आप लोगों ने ये चीजें अपने माइंड में लाजमी रखनी है और जब भी सेकंड हैंड आईफोन की परचेजिंग करें तो आप लोगों ने इसकी बैटरी हेल्थ सबसे पहले देखनी है, इसके बाद इसकी कंडीशन देखनी है। कंडीशन अगर रफ हो तो भाई सीधी सीधी आईफोन की प्राइस ड्रॉप हो जाती है। अब आप लोगों ने इसका डिस्प्ले भी लाजमी चेकआउट कर लेना है क्योंकि अब जो है वो इसमें मसले मसाइल भी आप लोगों को देखने को मिला करेंगे। तो नॉर्मली 15 प्रो मैक्स के लिए अगर पीटी अप्रूव्ड आप लोग परचेज करते हैं तो आप लोगों का बजट कम से कम इस वक्त 4,00,000 से 4,10,000 का होना चाहिए और नॉन पीटी अप्रूव्ड के लिए अब आप लोगों का बजट कम से कम 2,70,000 से 2,80,000 का होना चाहिए। तो एक साल गुजरने के बाद मेरा तो एक्सपीरियंस आईफोन 15 प्रो मैक्स के साथ काफी अच्छा रहा है। डिवाइस जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, कैमरा लेवल का है और आई होप मैं 16 सीरीज की तरफ ना जाऊं, 16 भी लॉन्च हो चुका है, स्पेसिफिकेशन फीचर्स और प्राइस टैग सब आपके सामने है। तो ऐसे हजरात जो लोग आईफोन 15 प्रो मैक्स की तरफ अब शिफ्ट होना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि प्राइस ड्रॉप होने के बाद 15 प्रो मैक्स अब एक वैल्यू फॉर मनी हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में। अब आप लोग आईफोन यूजर हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और क्या आप लोग आईफोन 15 प्रो मैक्स यूज कर चुके हैं या करने वाले हैं, मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भाई इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि आईफोन 15 प्रो मैक्स के एक साल गुजरने के बाद अब मार्केट में क्या रेट्स हैं, इस वक्त आप लोग 15 प्रो मैक्स को परचेस करना चाहोगे या नहीं और या फिर आप लोग आईफोन 16 सीरीज की तरफ जाओगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और काफी ज्यादा लोग जो है वो नए आईफोन की तरफ जाएंगे और 15 प्रो मैक्स मार्केट में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस वक्त जो है वो आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के रेट्स हैं वो काफी ज्यादा डाउन है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अपने उसको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।